दोस्तों नमस्कार। ये हाउस प्लान आप देख पा रहे हैं 40x30 का है, 40 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये जो मुख्य प्लान बना हुआ है ये 35x26 बना है, यहाँ से देखेंगे तो 35 है और ये 26 है, ठीक है। तो प्लॉट जो है 40x30 का यानी 1200 स्क्वायर फीट है, जबकि 35x26 में बना हुआ है, यानी पीछे यहाँ देखेंगे तो जो सेटबैक है पीछे का, इसको सेटबैक बोलेंगे। तो ये देख रहे होंगे रियर सेटबैक, ठीक है। तो ये आपका रियर सेटबैक कितने, 4 फीट का है। तो साइड में सॉरी पीछे आप देख रहे हैं 4 फीट का रियर सेटबैक है, और इधर इस साइड में आप देखेंगे 3 फीट, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फीट का सेटबैक है, साइड सेटबैक, और ये वाला भी सेटबैक, ये सेटबैक 2 फीट का है। तो ऑलमोस्ट ये 40x30 का तो है ही, इसमें 35x26 का ये प्लान बना हुआ है, जिसमें 2 बेडरूम आप देख रहे हैं, एक बेडरूम ये दिख रहा होगा, एक बेडरूम ये दिख रहा होगा। एक बात और बता दें, ये नॉर्थ फेस का प्लान है, नॉर्थ फेस माने उत्तर दिशा का है, इसका फ्रंट जो है उत्तर है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर इसको आप वरांदा कर लीजिए, ठीक है, इसको आप वरांदा करिए या इसको पार्किंग करिए, यह ऑप्शनल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एक गाड़ी पार्क किया हूँ, ताकि समझा जा सके कि पार्किंग भी हो सकता है, और मैंने यहाँ बरामदा लिख रखा हुआ, ठीक है। ये एंट्री करते समय ये उत्तर दिशा में क्या नाम है आपका, एक स्टेयर केस है, ठीक है। तो यहाँ से इस पर हम लोग चढ़ेंगे यहाँ से, और इस तरह से ऊपर जाएंगे, जबकि एक क्लाइंट की डिमांड थी, क्योंकि किराए पर घर देना है, ग्राउंड या फर्स्ट या सेकेंड, तो उस हिसाब से जीना को उन्होंने बाहर रखने के लिए कहा है, तो ये फ्रंट में ही बन रहा था तो मैंने यहाँ बना दिया उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आप जो क्लॉकवाइज में जीना दिख रहा होगा, इसकी साइज आप देख रहे हैं 11 फीट 7 इंच है, और लंबाई इसकी चौड़ाई 7 फीट है। ये जो आप देख रहे हैं पार्किंग, तो फिलहाल ये 10 फीट 4 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई 12 फीट 6 इंच है, और इसका जब हम छज्जा लेंगे 3.5 फीट का, तो ये आपका 16 फीट हो जाएगा। तो प्रॉपर आराम से आपकी एक फोर व्हीलर पार्क हो जाएगी, जो बड़ी सबसे बड़ी गाड़ी फॉर्चूनर होती है वो पार्क हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, तो ये ईशान कोण है, ठीक है, ये वाला ईशान कोण है, जबकि सामने जो फ्रंट उत्तर है ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। तो उस हिसाब से ये ईशान कोण है, ईशान कोण को डाउन या खाली रखा जाता तो उस हिसाब से मैंने पार्किंग दिया हुआ है, और ये डाउन रहेगा। जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री जो है इधर पूर्व दिशा की तरफ होगी, जो दरवाज़ा इसका है पूर्व दिशा की तरफ खुलेगा, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। जैसे एंट्री करेंगे तो एक बहुत बड़ी लॉबी मिल जाती है, लॉबी कम डाइनिंग, तो 10 फीट 10 इंच ऑलमोस्ट 11 फीट की एक डाइनिंग मिल जाती है, और 16 फीट 9 इंच की ये लंबाई इस तरह से मिलती है, ठीक है। तो लॉबी कम डाइनिंग, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक सामने इस साइड में आपको एक पूजा रूम दिख जाता है पूर्व दिशा में, ठीक है। तो 4 फीट 2 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई मैंने यहाँ से 5 फीट लिया, टोटल ये स्पेस बैठकर पूजा वगैरह करने के लिए है। और ये किचन आप देख रहे होंगे, आग्नेय कोण में 7.5x10 का किचन है, ठीक है। और किचन के ठीक सामने डाइनिंग हॉल मैंने दे रखा है, ताकि यहाँ से आसानी से सर्व किया जा सके। एक बात मैं और बता दूँ कि यहाँ पर ये जो है कुछ कुछ एरर है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दूर है, मैं इसको बाद में करता हूँ, एक सेकंड। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ कि ये 2 बेडरूम के साथ एक सिंगल टॉयलेट है, बेडरूम जो 12 फीट बाई 10.5 फीट का ये है, एक बेडरूम बड़ा बेडरूम है, जबकि दूसरा बेडरूम आपको 12x9 का है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा 4.5 फीट अंदर जाएंगे, इसके बाद आपको दरवाज़ा लग जाएगा, और यहाँ से टॉयलेट का भी दरवाज़ा यहाँ होगा, ठीक है। ताकि ये जगह इसलिए दिया गया ताकि इसका डोर भी लग जाए आसानी से, और इसका भी, और टॉयलेट का पानी डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट ना हो, इसमें ना लगे लॉबी हॉल में, अगर मैं टॉयलेट यहाँ तक करता हूँ, इसलिए टॉयलेट को थोड़ा पीछे रखा गया। 4.5x4.5x7.6 इंच का एक टॉयलेट है, जो कॉमन टॉयलेट है, और ऑलमोस्ट मैंने जिक्र कर लिया, ये नॉर्थ फेस का प्लान है, और सेटबैक छोड़े हैं, इसलिए सभी का विंडो जो है, ये सब विंडो हैं, 4x4 का विंडो सभी लगे हुए हैं। तो जो इस तरह से विंडो है, और ये वाला जो है सिंगल लाइन वाला, ये वेंटिलेशन है, तो इसका वेंटिलेशन यहाँ होगा और इसका यहाँ, तो ये इसलिए ताकि चारों तरफ जो ऑनर की जगह है इसलिए छूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको ये प्लान पसंद आया हो तो आप इसको भी अपने हिसाब से, ऐसे अगर इस तरह का प्लॉट है तो आप बनवा सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इस तरह से बहुत सारे नक्शे बनाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सब बहुत सारे हाउस प्लान है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, देखिए हम यहाँ पर शेड्यूल भी देते हैं। जैसे ये कुछ ये यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे स्टील बार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप कभी स्टील बार की आवश्यकता होगी, क्वांटिटी एस्टिमेट कराना है, क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो मिल जाएगा आपको। जैसे मैं आपको बता, देखिए ये एक प्लान है। तो इस तरह से प्लान बनाए जाते हैं बहुत सारे। आप प्लान बनाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आते हैं LTD स्टूडियो एंड कंस्ट्रक्शन, ये मेरा नंबर है 9807887008, ठीक है। और आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अनिल सरोज। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा नाम है इंजीनियर अनिल सरोज, जिला आजमगढ़। ये मेरा नंबर है 9807887008, ठीक है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप किसी भी तरह के हाउस प्लान डिज़ाइन, क्वांटिटी एस्टिमेट, क्वालिटी एस्टिमेट, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह करवा सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी करा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।